अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? टेट टाइम आवाज आ रही है सब लोगों को? चैप्टर नंबर 9 हम लोग स्टडी कर रहे थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। कल हम लोगों ने देखा था, पहला हमारा जो कल का टॉपिक था वो हमने ये पढ़ा था कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो था वो क्यों रूल्ड आउट हो गया था, जो कि बेंजीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला को C6H6 को देखते हुए दो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर दिए गए। इसके बाद हम लोग स्टडी कर रहे थे टॉपिक कैक्यूल स्ट्रक्चर। मैंने इसमें आपको बताया था कैक्यूल ने दो अजम्पशंस दिए थे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। मेन पहली बात उसने की थी कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग का होगा, और दूसरा उसने बोला था कि इसमें तीन डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग विद सिंगल बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम देख रहे थे कि उसने अपने इन दोनों स्टेटमेंट को किस तरीके से जस्टिफाई किया था। सबसे पहले वाले की जस्टिफिकेशन में हम लोगों ने देख लिया था कि बेंजीन जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है, जबकि डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट तीन देती है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना स्टडी कर रहे थे दूसरे वाला पॉइंट, जिसमें हम लोग ये देख रहे थे कि किस तरीके से हम ये बात जस्टिफाई कर सकते हैं कि बेंजीन रिंग के अंदर तीन डबल बॉन्ड होते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट कर रहे होते हैं, लाइक सिंगल डबल इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा होता है। तो उसने सबसे पहले एक एडिशन रिएक्शन दिया था जिसमें सिंपल बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन कराई जाती है। आप लोग हाइड्रोजनेशन वाला रिएक्शन स्टडी करके आ चुके हैं, अल्केन में भी, अल्कीन्स में भी और अल्काइन्स में भी। ये हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम बेंजीन में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि बेंजीन में भी हम हाइड्रोजन की एडिशन ही करवाएंगे। तो यहाँ पर हम जो कैटलिस्ट यूज करेंगे वो प्लैटिनम है। अब हम लोगों ने जब अल्कीन्स के अंदर हाइड्रोजनेशन करवाई थी, प्लैटिनम को कैटलिस्ट यूज किया था, तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर प्लैटिनम जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी काम कर जाता है। लेकिन बेंजीन जो है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर हम प्लैटिनम के साथ टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस का। मतलब है कि हम हाइड्रोजनेशन इतनी आसानी से नहीं करा सकते बेंजीन के अंदर, दैट्स व्हाई यहाँ पर हम इसको 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। अब जब हम प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हुए हाइड्रोजन की एडिशन कराएंगे, अब आप यहाँ पर रिएक्टेंट्स में देखिएगा, रिएक्टेंट्स में एक तो बेंजीन रिंग है, साथ में हाइड्रोजन है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 हाइड्रोजन। इसका मतलब है 3 2s का कितना हुआ 6। तो हम बेंजीन रिंग के अंदर 6 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। बेंजीन में कार्बन कितने हैं? 6 ही कार्बन है ना, तो हम 6 हाइड्रोजन ऐड करने वाले हैं। तो हम सिंपली एक एक कार्बन के अंदर एक एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, अब ये बेंजीन नहीं है, अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आया है आप इसमें देख सकते हैं कि हर कार्बन जो है उसके पास मतलब चार चार उसकी वैलेंसी पूरी है, और यहाँ पर हमें कोई डबल बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं रही, जबकि बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड के थ्रू उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया गया था। इस तरीके से जब बेंजीन के अंदर हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, एक 6 कार्बन है, 6 कार्बन में एक एक हाइड्रोजन हमने ऐड किया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा उसके अंदर सारे कार्बन जो हैं उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी और हमें कोई डबल बॉन्ड लगाना नहीं पड़ेगा। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूजन यही क्रिएट कर देते हैं कि जो बेंजीन होता है और साइक्लोहेक्सेन होता है उसमें फ़र्क नहीं पता होता। तो बेंजीन जो है उसके अंदर 3 बॉन्ड्स लगे हुए हैं, मतलब उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन जो साइक्लोहेक्सेन है उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, और सारे कार्बन जो है वो हाइड्रोजन और बॉन्ड के थ्रू अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्यों ने पहला ये रिएक्शन स्टडी किया था एडिशन रिएक्शन, कि बेंजीन के अंदर एडिशन रिएक्शन इस तरीके से होकर साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। इसके बाद दूसरी बात उसने की थी कि जब बेंजीन के अंदर हम क्लोरीन की एडिशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा ये भी हम देख लेते हैं। एडिशन वैसे ही होगी,
जैसे हाइड्रोजन की हमने एडिशन कराई है बेंजीन के अंदर, तो जब बेंजीन में हम 3Cl2 की एडिशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। अब आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं, जो ऊपर प्रोडक्ट बना था उसमें हर कार्बन में हमने एक एक हाइड्रोजन ऐड किया था, यहाँ पर भी 3Cl2 है ना, इसका मतलब है 3 2s कितना हुआ 6, तो हमने 6 फ्लोरीन को 6 Cl को 6 कार्बन के अंदर ऐड करना है। सिंपली वहां पर तो हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल अंदर जो इसके बॉन्ड लगे हुए हैं वो बॉन्ड खत्म करके और हर कार्बन में एक Cl लगा देंगे। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है इसको हम बोलते हैं हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, कि ये भी साइक्लोहेक्सेन ही है जैसे ऊपर बना था, लेकिन इसमें हर कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन लगा हुआ है। ये एडिशन रिएक्शन थे जिसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड किया बेंजीन रिंग में और क्लोरीन को ऐड किया बेंजीन रिंग में। अब इन दोनों रिएक्शन से कैक्यूल ने अपनी इस बात को जस्टिफाई किया था कि ये दोनों जो रिएक्शन है ये कंफर्म कर रहे हैं कि बेंजीन रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। आपको मैंने कल दो बातें बताई थी कि कैक्यूल ने सबसे पहले बोला था कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, उसको हमने जस्टिफाई कर दिया कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड एक देता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, हमारे पास 3 प्रोडक्ट आते हैं। अब जो दूसरी इसकी बात थी, ये दोनों रिएक्शन उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होते हैं और सिंगल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर अगर एडिशन रिएक्शन हुआ है तो ये एडिशन कैसे हुई है, डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट थे तो उन बॉन्ड की ब्रेकेज हुई है ना। हम लोग ये स्टडी करके आ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में कि जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाता है, मतलब जब भी एल्कीन्स में रिएक्शन हमने देखे थे तो हम पाई बॉन्ड को ही तोड़ के रिएक्शन करवा रहे होते थे, सिग्मा बॉन्ड तो इजीली नहीं टूट सकता। तो यहाँ पर भी जो बेंजीन रिंग के अंदर बॉन्ड लगे हुए हैं उन बॉन्ड को तोड़ के ये एडिशन रिएक्शन करवाया गया, अगर वो इसके अंदर बॉन्ड्स ना प्रेजेंट होते तो ये एडिशन रिएक्शन कैसे हो सकता था। तो उसने इन दोनों रिएक्शन से अपनी इस बात को जस्टिफाई कर दिया था कि बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई उसने ये एडिशन रिएक्शन किए हैं। तो इस तरीके से कैक्यूल ने ये स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग का प्रपोज करा दिया था और उसने ये जस्टिफिकेशन जो थी वो दे दी। इसके बाद नेक्स्ट बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर आ गया था, इसके बाद जो नेक्स्ट था वो इसकी एक्सरे स्टडीज की गई थी। लाइक जैसे आप लोग पूरा साल पेपर्स की तैयारी करते रहते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते रहते हैं, एट द एंड आप लोग एग्जाम देते हैं तो आपका रिजल्ट आता है, उससे पता चलता है कि आप लोगों ने पूरे साल में क्या पढ़ा था, मीन्स आपके जो मार्क्स आते हैं लाइक केमिस्ट्री में आपके इतने मार्क्स आते हैं, तो उससे हम लोग ये कहते हैं कि स्टूडेंट ने मेहनत की थी तो इसके इतने मार्क्स आ गए, मीन्स रिजल्ट से हम जज कर रहे होते हैं ना कि इसने इतनी मेहनत की थी, इसके मार्क्स कम है, इसने तो पढ़ा ही नहीं था। तो इसी तरीके से आपके क्यूल ने बेंजीन का स्ट्रक्चर तो दे दिया, तो उस स्ट्रक्चर की फिर XRD कराई गई थी, एक्सरे स्टडीज की गई थी। लाइक हम कह सकते हैं कि देखा गया था कि इसके अंदर एंगल कितने हैं, कार्बन कार्बन एंगल कितने हैं, कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, सारा कुछ ये एक्सरे स्टडीज के थ्रू देखा गया था। लाइक वी कैन सिंपली से कि एक्सरे जो है वो एक टेक्निक है, XRD एक टेक्निक है जिससे इसके अंदर हम अपना सैंपल रखते हैं और हमारे पास वो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आते होते हैं। तो जब बेंजीन के स्ट्रक्चर की एक्सरे स्टडीज की गई थी तो इससे ये बात कंफर्म हो गई थी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, तो कैक्यूल ने भी कह दिया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल। इसका मतलब है XRD जो कराई गई थी बेंजीन के स्ट्रक्चर की, उससे पहली बात जो है वो कंफर्म हो गई थी कि इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। आपके सामने स्ट्रक्चर शो हो रहा है, हेक्सागोनल ही है क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन है और साइक्लिक फॉर्म में, क्लोज्ड फॉर्म में। इसके बाद दूसरी बात XRD से क्या पता चली थी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो सेम प्लेन में होते हैं, कि बेंजीन रिंग के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं वो एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में लाइक कर रहे होते हैं और साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, XRD ने ये भी बताया था कि इसके अंदर जो एंगल होता है वो 120 का होता है। 120 का एंगल कहाँ पे होता है,
ये जो आपको रेड से हाईलाइट होके नजर आ रहा है अंदर जो रिंग के अंदर वाला एंगल होता है, ठीक है, ये इसका 120 का। इसके बाद जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होती है, ये जो कार्बन और ये हाइड्रोजन है इनके दरमियान में जो बॉन्ड बना हुआ है ना, इस बॉन्ड की जो लेंथ है वो 1.09 एंगस्ट्रॉम आती है। और ये सारी जो बातें हैं, ये बेंजीन का जब एक्सआरडी कराया गया था, जब इसकी एक्सरे स्टडी की गई थी, तो उससे ये बातें पता चली थी, उससे ये बातें कंफर्म हुई थी कि एंगल इसका 120 होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.09 होती है, और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.397 एंगस्ट्रॉम। ये आप लोगों ने याद करनी है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ एक्सरे से इतनी पता चली थी, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इतनी पता चली थी, एमसीक्यूज में ये आपसे पूछी जा सकती है। तो ये एक्सरे स्टडी से कुछ बातें कंफर्म हो गई थी स्ट्रक्चर के बारे में। अब कैक्यूल ने तो स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो उसके स्ट्रक्चर पे भी कुछ ऑब्जेक्शन आई थी, कुछ लिमिटेशन आई थी। मीन्स जब एक पर्सन कोई काम करके सबमिट कराता है, लाइक आपको एक काम दिया गया, आपको असाइनमेंट दी गई है, आप वो असाइनमेंट सबमिट कराते हैं, तो हम उसमें से मिस्टेक्स निकालते हैं कि यहाँ पर आपने इसको ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था। यही केस यहाँ पर भी हो रहा है कि जब कैक्यूल ने बता दिया था कि ये बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है, तो उस पर भी बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शंस, उसमें लिमिटेशन निकाली थी कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा। मतलब जब भी कोई एक पर्सन काम करके सबमिट कराता है तो उसपे ऑब्जेक्शन जो है वो जरूर लगाई जाती है। तो जो कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स पे लिमिटेशंस आई थी, ऑब्जेक्शंस आई थी, अब हम वो देखते हैं कि वो ऑब्जेक्शंस क्या थी। इसमें सबसे पहली जो लिमिटेशन थी वो थी कि जो कैक्यूल का स्ट्रक्चर है, अभी आपने देख लिया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमने देखा कि इसके अंदर डबल बॉन्ड भी होते हैं। इसका मतलब है कि अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो इसको तो फिर हर वो रिएक्शन देना चाहिए जो कि डबल बॉन्ड वाली स्पीशी देती है। लाइक डबल बॉन्ड किस में होता है, अल्केन्स में ना। इसका मतलब है कि अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो बेंजीन को हर वो रिएक्शन देना चाहिए जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड देते हैं। केयरफुल इस पॉइंट को सुनिएगा। ऑब्जेक्शन पहला ये था कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर कैक्यूल ने प्रपोज कराया था उससे ये पता चल रहा है कि बेंजीन रिंग के अंदर तीन डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है इसका मतलब है कि बेंजीन रिंग को अनसैचुरेटेड वाले सारे रिएक्शन देने चाहिए क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है जो कि अनसैचुरेटेड भी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, बेंजीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड वाले सारे रिएक्शन नहीं देती थी क्योंकि इसमें सैचुरेटेड करेक्टर भी था। किसी की एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो बेंजीन जो है वो अनसैचुरेटेड वाले रिएक्शन सारे नहीं देती। मतलब जैसे आपको कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि बेंजीन KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं करती। अगर बेंजीन के अंदर KMnO4 डाले ना जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं कराता। तो वैसे अगर हम अनसैचुरेटेड के अंदर अल्कीन्स में हम स्टडी करके आ चुके हैं कि उसमें अगर KMnO4 डाली तो वो ऑक्सीडाइज हो जाए, लेकिन बेंजीन जो है वो KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो पहली ऑब्जेक्शन तो यही आ गई कि इसने तो, अगर ये अनसैचुरेटेड है तो इसने अनसैचुरेटेड कंपाउंड वाले सारे रिएक्शन तो नहीं दिए। पहला ऑब्जेक्शन इस पर ये आ गया। इसके बाद दूसरी बात आ गई थी कि बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन इतनी आसानी से क्यों नहीं देती। बेंजीन एडिशन रिएक्शन आसानी से नहीं देती बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली देती है। एडिशन रिएक्शन कौन से रिएक्शन थी जो अभी हमने स्टडी किया, जिसमें हमने बेंजीन में हाइड्रोजन की एडिशन कराई और बेंजीन में क्लोरीन की एडिशन कराई। तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं ज़्यादा करती। एडिशन रिएक्शन बेंजीन तब देती है, उन केसेस में देती है, उन सिचुएशंस में देती है जब हम बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे एक क्लोज्ड रिंग है, एक साइक्लिक रिंग है, हमें उस रिंग के अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ के एडिशन करानी पड़ती है किसी भी स्पीशी की, और इसके लिए तो हमें ड्रास्टिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है। इसलिए दूसरा ऑब्जेक्शन ये था कि बेंजीन तो अनसैचुरेटेड है, इसमें तीन डबल बॉन्ड भी हैं, तो इसको तो एडिशन ईजिली करनी चाहिए थी। लेकिन बेंजीन एडिशन रिएक्शन ईजिली नहीं देता बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजिली देता है।
तो ये दूसरा ऑब्जेक्शन इस पे लगा था कि क्यों बेंजीन एडिशन रिएक्शन इजीली नहीं देता। इसके बाद थर्ड इसमें लिमिटेशन जो ऑब्जेक्शन आई थी वो ये थी कि कैक्यूल के स्ट्रक्चर से ये बात सामने आ रही थी कि बेंजीन जो है वो अनस्टेबल है। लाइक अभी हमने जो दो रिएक्शन देखी है उसी से अगर हम अंदाजा लगा लें जिसमें हमने बेंजीन में एडिशन कराई है हाइड्रोजन की भी और क्लोरीन की भी, तो उसमें वो एडिशन रिएक्शन कर गया। इसका मतलब है बेंजीन अगर स्टेबल होती उसके अकॉर्डिंग तो वो इजीली एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकती थी। तो तीसरा ऑब्जेक्शन ये था कि कैक्यूल के स्ट्रक्चर से ये लग रहा था कि बेंजीन अनस्टेबल है, लेकिन एक्चुअल में हम कहते हैं कि बेंजीन तो स्टेबल होती है। ठीक है, तो ये तीन ऑब्जेक्शंस निकाले गए थे कैक्यूल के स्ट्रक्चर में। पहला कि कैक्यूल के स्ट्रक्चर से ये लग रहा था कि उसमें तीन डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड वाले सारे रिएक्शन देने चाहिए, लेकिन बेंजीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड वाले सारे रिएक्शन नहीं देती क्योंकि इसमें सैचुरेटेड करैक्टर भी होता है। दूसरी बात कि बेंजीन क्यों इजीली एडिशन रिएक्शन नहीं देती, और तीसरी बात कैक्यूल के स्ट्रक्चर में ये था कि वो अनस्टेबल है लेकिन बेंजीन तो स्टेबल होती है। तो ये तीन ऑब्जेक्शंस लगाई गई थी कैक्यूल के स्ट्रक्चर में। लेकिन बाद में इन्हीं ये जो ऑब्जेक्शंस निकाली गई थी कैक्यूल ने इनके भी आंसर दिए थे। उसने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि ये जो क्वेश्चन उससे किए गए हैं वो उनके आंसर दे सके। तो आप लोग जस्ट इसके ऑब्जेक्शन याद रख लीजिएगा क्योंकि आगे जो बेंजीन के लिए स्ट्रक्चर यूज होगा वो यही यूज होगा जो कि कैक्यूल ने दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है। अगर आप इसको समझ के इजीली मतलब आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप लोग बेंजीन की हाइब्रिडाइज्ड शेप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको केयरफुली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप लोग बेंजीन की हाइब्रिडाइज्ड शेप ड्रॉ नहीं कर सकेंगे। इस टॉपिक के अंदर हमने बेंजीन की हाइब्रिडाइज्ड शेप ड्रॉ करना देखनी है। मतलब आप लोग पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के आ चुके हैं, इसमें sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन हमने स्टडी की थी। तो अब हम देखेंगे कि बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है और वो इसी टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो हाइब्रिडाइज्ड शेप को स्टडी करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं उसी शेप से रिलेटेड, इसके बाद हम हाइब्रिडाइज्ड शेप की प्रैक्टिस करेंगे। ये समझने के बाद, ये टॉपिक समझाने के बाद मैं आप लोगों से पूछूंगी अगर आप लोगों को समझ आ गया, मतलब पता चल गया कि कैसे बनानी है हाइब्रिडाइज्ड शेप, तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को ये मैं कॉपी के ऊपर ड्रॉ करके क्लासरूम में इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो इसमें पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें आता है ईच कार्बन इन बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अभी हम ये शेप ड्रॉ करेंगे तो इसमें देखेंगे कि बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं, तो हर कार्बन जो है मतलब 6 कार्बन में से एक एक जो कार्बन है हर कार्बन वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड। ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये अभी आपको मैं शेप के अंदर एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कैसे तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल बिटवीन इट्स राइट एंगल टू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। के sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने स्टडी किया था 1s एंड 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इसका मतलब है एक जो p0 वाला ऑर्बिटल होता है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, उसमें अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में रह रहा होता है। तो वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में इसमें 2pz ऑर्बिटल होंगे ना वो आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑल sp2 ऑर्बिटल आर इन सेम प्लेन एंड एंगल इज 120। ये भी अभी आपको बताती हूँ। इसके बाद ये दोनों पॉइंट में आपको फिगर्स एक्सप्लेन कर। तो अब हम देखते हैं कि कैसे बेंजीन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है, और जो भी सारे पॉइंट्स हैं ना ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन में आपको करती हूँ फिगर से। बेंजीन का हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसमें 6 कार्बन है और 6p हाइड्रोजन है। तो अभी हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा था इसमें मैंने आपको बताया था कि बेंजीन में जो हर कार्बन है लाइक 6 कार्बन में से हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, मतलब हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है।
आप लोगों को sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक दफा दोबारा रिव्यू करा देती हूँ कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या पढ़ा था हमने। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में sp2 है ना 1s एंड 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करती हैं और उनकी ओवरलैपिंग से हमारे पास ये वाले ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और इनकी ओवरलैपिंग से हमारे पास इस तरीके का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अब यहाँ पर ये वाली बात आपने अपने माइंड में रखनी है क्योंकि आगे नेक्स्ट जो स्लाइड आनी है उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर जो ऊपर मैंने पर्पल से बॉक्स बनाया है उससे आपको ये हाईलाइट करा दिया है कि s1s एंड 2p ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो आपको इसमें नजर आ रहा होना है कि जो लास्ट वाला एक ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट हाइब्रिडाइजेशन में नहीं कर रहा, तो वो कहाँ जाएगा? अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो भी रही है तो वो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में तो इसके पास है। अगर वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में तो इसके पास है और हाइब्रिडाइजेशन के बाद तो वो शेप बनी है जो नीचे आपको नजर आ रही है। आप इसमें देख सकते हैं कितने लूप्स बने हुए हैं, ये पर्पल से आपको शो हो रहे होंगे, 3 लूप्स बने हुए हैं, ऊपर डॉटेड लाइन भी लगी हुई है। इसका मतलब है कि sp2 में 3 बॉन्ड बन रहे हैं। अभी आपको मैंने जो प्रीवियस स्लाइड में दूसरा पॉइंट बताया था उसमें यही पॉइंट था ना कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हर कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होता है। तो यहाँ पर अब जो हाईलाइट हुई है रेड से चीज़, इस चीज़ को देखिएगा, इसमें ये जो आपको हाईलाइट हुआ एरिया नज़र आ रहा है इसके अंदर जो कार्बन है वो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? वो कार्बन एक ऊपर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसके बाद राइट साइड पे ये एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसके बाद ये लेफ्ट साइड पे भी दूसरे कार्बन के साथ। अभी आपने यहाँ पर जो दूसरा डबल बॉन्ड बना हुआ है ना, आपने उस डबल बॉन्ड को कंसिडर नहीं करना क्योंकि अभी हम डबल बॉन्ड कैसे बन रहा है ये नहीं देख रहे, अभी हम जस्ट सिग्मा बॉन्ड को देख रहे। डबल बॉन्ड तो पाई बॉन्ड की, पाई जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओवरलैपिंग से बनेगा ना, तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी। अभी जस्ट हम देख रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बने, ठीक है। प्लीज इसको केयरफुली आप लोग सुनिएगा तब जाकर आपको ये समझ आएगा। सबसे पहले बात मैंने क्या कही कि बेंजीन के अंदर हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, मतलब हर कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1s एंड 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो ट्राइगोनल आता है, मतलब 3 उसमें लूप्स बनते हैं। लेकिन एक ऐसा ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो किधर जाएगा। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा था जो sp2 हाइब्रिड आपको नजर आ रहा है इसमें 3 लूप्स बन रहे हैं। इसका मतलब है sp2 के अंदर हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर जो बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर के अंदर मैंने हाईलाइट करके आपको एक कार्बन से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है उसमें आपको साफ नजर आ रहा है कि कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक ऊपर हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, दूसरा राइट साइड वाले कार्बन के साथ और तीसरा लेफ्ट साइड वाले कार्बन के साथ, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप हर एक कार्बन को देखते जाएंगे तो हर एक कार्बन जो है इस स्ट्रक्चर के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड बना। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। प्लीज एक दफा बता दें समझ आ रही है आप लोगों को। तो यहाँ तक ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से किसी स्ट्रक्चर से, जो बेंजीन का आपके सामने स्ट्रक्चर था ना, किस तरीके से हम इसी को हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने केयरफुली देखना है कि यहाँ पर बेसिकली ये चीज है। अभी जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको हाईलाइट करके एक कार्बन शो कराया था ना कि एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर आप पहला कार्बन जो मैंने रेड से लिखा हुआ है आप इसमें देखें, पहला कार्बन जो है इसमें 3 लूप्स बन रहे हैं, एक लूप इसका ऊपर बन रहा है, दूसरा इसका राइट साइड पे बन रहा है और तीसरा लूप जो है वो लेफ्ट साइड पे बन रहा है। अभी आप बाकी पूरे स्ट्रक्चर को इग्नोर कर दें क्योंकि अभी हम जस्ट इसका पहला कार्बन देख रहे हैं, तो पहले कार्बन में क्या चीज आ रही है। अगर आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसकी शेप बनाएंगे ना, लाइक पहले कार्बन के आपने 3 लूप्स बना लिए,
उसके बाद आप दूसरा कार्बन, सबसे पहले शेप बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे, कैसे शेप बनाएंगे? सबसे पहले आप सिंपल 6 कार्बन लिख लें, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर में कार्बन अटैच नहीं होते, आप लोग सिंपल वैसे कार्बन लिख लें, 6 कार्बन लिख लें। इसके बाद हर कार्बन के 3-3 लूप्स बनाते जाए, एक ऊपर, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे। इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, जो कार्बन का लूप बाहर आपको नजर आ रहा है, एक ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, तो जो लूप बाहर निकला हुआ है उसके साथ आप एक एक हाइड्रोजन सर्कल के फॉर्म में लगाएं। अब यहाँ पर सर्कल क्यों लगाया है, क्योंकि हाइड्रोजन के 1s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है और s वाले ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, इसलिए आप लोगों ने जो यहाँ पर लूप्स बाहर निकले हैं आपने जैसे ये सारे कार्बन है ना, ये फिगर वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड लग रही है लेकिन सिंपली ये है ये चीज के 6 कार्बन लिखे हुए हैं, इसके बाद हर कार्बन के 3-3 लूप्स से एक लूप के साथ हाइड्रोजन लगा दिया गया है, और जो दूसरे 2 लूप्स थे वो नेक्स्ट कार्बन वाले लूप के साथ ओवरलैप करेंगे और वहां पर बनेगा सिग्मा बॉन्ड। लाइक यहाँ पर आप देखें जो मैंने हाईलाइट किया है चीज, ये चीज कि यहाँ पर पहला जो कार्बन है वो ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहे हैं और उनकी ओवरलैपिंग से बन रहा है 1 सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद कार्बन राइट साइड वाले जो उसका दूसरा कार्बन था उसके लूप के साथ ओवरलैप कर रहा है और यहाँ पर बन रहा है 2 सिग्मा बॉन्ड। इसी तरीके से कार्बन लेफ्ट साइड वाले दूसरे कार्बन के लूप के साथ ओवरलैप कर रहा है और वहां पर बन रहा है 3 सिग्मा बॉन्ड। इसी तरीके से सारे बाकी सारे कार्बन भी ओवरलैप कर रहे हैं और हर कार्बन में अगर आप काउंट करेंगे तो 3-3 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले जब आपने हाइब्रिडाइज्ड शेप ड्रॉ करनी है तो आपने सबसे पहले 6 कार्बन लिखनी है, जैसे ये लिखे हुए हैं इतने इतने डिस्टेंस पे। इसके बाद आपने 1 कार्बन के 3 लूप्स बनाए, दूसरे के 3 बनाए, तीसरे के, चौथे के, पांचवे के और छठे के, इस तरीके से 3-3 लूप्स बना के एक लूप जो बाहर वाला है उसके साथ एक एक हाइड्रोजन का सर्कल लगा दें और जो अंदर वाले बाकी लूप्स हैं उनको नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ ओवरलैप करा के बता दें कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में ये बताया था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1s और 2p ओवरलैप करते हैं, लेकिन एक ऐसा ऑर्बिटल होता है pz वाला जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में उसमें रह जाता है। अब जो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में इसमें रह गया है उसका क्या रोल है, अब हम ये देखेंगे। अभी जो आपके सामने स्ट्रक्चर मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, इस स्ट्रक्चर में हमने देख लिया कि बेंजीन रिंग के अंदर सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं। यू कैन सिंपली से कि ये स्ट्रक्चर बेंजीन का हमने एक साइकिल बना लिया है। अभी इस साइकिल के अंदर जो डबल बॉन्ड लगाते हैं ना, वो डबल बॉन्ड हम देखने लगे हैं कि वो डबल बॉन्ड कैसे बनते हैं। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, इसका मतलब है हर कार्बन के पास एक एक ऐसा ऑर्बिटल था जो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में अभी पड़ा हुआ, हर कार्बन के पास एक एक ऐसा ऑर्बिटल था जो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो जो अभी आपको मैंने सेकंड वाला स्ट्रक्चर शो कराया है, आप इस स्ट्रक्चर में देख लें कि हर पहले सबसे पहले रिंग बनी हुई है 6 मेंबर्ड, जो कि अभी हमने देखा कि किस तरीके से बन रही है। अब हर कार्बन के पास एक एक लूप आपको बना हुआ नजर आ रहा है, ये कौन सा लूप है, हर कार्बन का 2pz वाला, हर कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड वाला, इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये जो सारे हैं, अभी आपको पीछे जो पॉइंट्स बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 2pz ऑर्बिटल वाले हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते वो एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं, मतलब बिल्कुल आमने सामने होते हैं और इस पोजिशन में होते हैं कि वो आपस में ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनमें ये जो सारे कार्बन हैं 6 कार्बन हैं, ये इनके अनहाइब्रिडाइज वाले ऑर्बिटल थे जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन में, तो इनकी आपस में ओवरलैपिंग होगी। सर्कल से आपको मैंने शो कराया कि जो ऊपर वाले सारे हैं, लाइक जो शेडेड हैं, जो
ब्लैक कलर से आपको नजर आ रहे हैं वो सारे रिंग आपस में ओवरलैप करेंगे और जो नीचे वाले हैं जो वाइट से शो हो रहे हैं ये सारे रिंग आपस में ओवरलैप करेंगे तो इनकी ओवरलैपिंग से बेंजीन रिंग के अंदर बन जाएगा पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। आपको मैंने दो पॉइंट पीछे बताए थे जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बाद में बताती हूँ, वो पॉइंट देख लेते हैं। अनहाइब्रिडाइज टू पीजी ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है उसमें यही बात थी कि जो अनहाइब्रिडाइज टू पीजी ऑर्बिटल होते हैं हर कार्बन के वो आपस में ओवरलैप करेंगे और उनकी ओवरलैप से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का एक सर्कल सा बन जाएगा बेंजीन रिंग के अंदर। हम लोगों ने बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर्स देखे हैं तो उसमें आप लोगों को मैंने कहा था कि अगर आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं तो डबल बॉन्ड लगा दें, नहीं तो आप इसके अंदर सर्कल भी लगा सकते हैं। तो वो जो सर्कल हम लगाते हैं वो इन टू पीजी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा होता है। के बाद नेक्स्ट इसमें दूसरा पॉइंट था दिस ओवरलैपिंग गिव्स डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, कि ये जो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन रहा होता है ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन रहा होता है। आई होप सो आप लोगों को अब ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और ये आप लोगों को डायग्राम्स भी क्लियर हो गई होंगी। आप लोगों ने इस डायग्राम की आज प्रैक्टिस करनी है और आपने मुझे गूगल क्लासरूम में शो कराना है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस है या नहीं की ताकि आप उसमें से आपकी मिस्टेक्स जो है वो पॉइंट आउट कर सकें। इसके बाद एक और इसमें मैंने फिगर ऐड की थी ताकि आप लोगों को ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। इसमें देखें कि हर कार्बन के पास जो पीजी वाला अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऊपर वाले हैं वो डिफरेंट कलर में, नीचे वाले डिफरेंट कलर में, ऊपर वालों की ओवरलैप से एक हमारे पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन रहा है और नीचे वाले की ओवरलैप। इन्होंने यहाँ पर टू डिफरेंट कलर क्यों शो कराए हैं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इनकी ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है। तो इसके बाद लास्ट वाले फिगर है, इसमें ये सारी हाइब्रिडाइज्ड शेप को समराइज किया गया। सबसे पहले इन्होंने बताया कि सिग्मा बॉन्ड कैसे इसमें बनते हैं, जिसके लिए आपने सिंपल आपने भी इसी तरीके से इसकी शेप बनानी है स्टेप बाय स्टेप चलते हुए। सबसे पहले आपने बताना है कि बेंजीन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इसके बाद आपने सिग्मा बॉन्ड बनने वाली शेप बनानी है, इसमें आपने हर कार्बन के तीन तीन लूप्स बनाने हैं, बाहर वाले के साथ हाइड्रोजन लगा देंगे और जो अंदर वाले हैं उनकी ओवरलैपिंग कराएंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपने ये बताना है कि हर कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड भी ऑर्बिटल था। फिर दूसरी जो आपको फिगर नजर आ रही है इसमें हर कार्बन का जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो ड्रॉ किया गया। इसके बाद जो थर्ड आपको नजर आ रही है इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड वाले ओवरलैप कर रहे हैं और लास्ट पे आपको ये बता दिया गया कि बेंजीन के अंदर जो ये सर्कल नजर आ रहा है आपको ये सर्कल इस वजह से बनता है कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं और रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना देते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने इसको रीड करना, बाकी हम लोग कल वाली क्लास। थैंक यू सो मच।